तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे आपके डेटा को हाईलाइट करना। सर रिकॉर्डिंग का आया नहीं मेरे पास, मैंने दे दिया। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 88 को लेके कलर कर दिया, तो ये जो कलर आपने किया इसको कोई लेना देना नहीं है कि आपने क्या टाइप कर रखा है और क्या आगे टाइप कर। समझे? हाँ जी। अब इसका यूज क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरी क्वांटिटी है और मेरा क्वांटिटी तो ग्रेटर देन 50 है, उसको अच्छा माना गया है, तो ऐसे हम विजुलाइज करेंगे कौन ग्रेटर देन 50 है, कौन है कौन, इस तरह दिक्कत होगा ना। हम चाहते हैं कि हाईलाइट करें ताकि रिपोर्ट देखें तो पता चल जाए कि हाँ ये 50 है। तो उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहीं पे ग्रेटर देन और यहाँ पे 50 कर देते हैं। अब देखिए जो 50 से ऊपर वाले वो हाईलाइट हो गए, yes. लेकिन हाईलाइट डिफॉल्ट कलर हुए हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि येलो ग्रीन हो जाए, ग्रीन राइट रेड हो जाए, राइट फिल हो जाए, दिख रहा है आपको रेड टेक्स्ट हो जाए। या इसके अलावा हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में आपके पास अपना खुद का फॉर्मेट है जो आप डिफाइन कर सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके किया और ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। समझे? यस। अब वो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया तो इससे अप्लाई नहीं कर दिया, ये मेंटेन भी रखेगा। 74 कल के डेट में 47 हो जाता है तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिसअपीयर हो गया, और 1661 हो जाता है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। यस। इसमें और क्या क्या कर सकते हैं? तो हाईलाइट सेल्स उसमें ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, लेस देन किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू। ठीक है, सब में फॉर्मेटिंग सेम है, आप अप्लाई कर सकते हैं, तरीका सबका सेम है, इसे मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। इक्वल टू, अब देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में आप सिर्फ डेट, टाइम एंड नंबर डाल सकते हैं। जैसे टाइम मैं चाहता हूं 10 मई के बाद वाली डेट हाईलाइट हो जाए, तो मैं ग्रेटर देन यहाँ पे 10 मई डालूंगा और देखिए हाईलाइट हो गया। अब करेंट ईयर है इसलिए हाईलाइट हो गया, अगर प्रीवियस ईयर होता तो मुझे यहाँ डैश देके ईयर भी डालना पड़ता। ओके, लेकिन एग्जैक्ट सेल वैल्यू टेक्स्ट पे हम नहीं कर सकते कि ग्रेटर देन पूजा, राइट राइट, यहाँ करेंगे इक्वल टू। इक्वल टू में एग्जैक्ट सेल वैल्यू चाहे वो टेक्स्ट हो, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर नंबर हो, जैसे कि इक्वल टू 52, या कोई पर्टिकुलर डेट हो, तीनों पे वर्क करता है, बट एग्जैक्ट सेल वैल्यू। अब जैसे यहां देखिए मेरा पूजा, पूजा सिंह, पूजा कुमार, अब तीनों एक ही है। अब मैं अगर यहां पे इक्वल टू पूजा करता हूं तो एक हाईलाइट होगा सिर्फ, अगर पूजा सिंह किया तो पूजा सिंह होगा, बाकी पूजा हाईलाइट नहीं होगा। ये मुझे तो दिल्ली और न्यू दिल्ली का भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं यहाँ पे अगर दिल्ली सिलेक्ट किया तो आप देखिए दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो गए, दिल्ली और न्यू दिल्ली, इसने दोनों को हाईलाइट कर लिया। ओके, इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं एक बार में, मतलब सपोज आई वांट टू सी पूजा हु हैज कोड या हु हैज क्वांटिटी मोर देन 50। हाँ वो लगाएंगे, वो लगाएंगे, उसके लिए हमें फिर फॉर्मूला वाला सेक्शन में जाना होगा जो कि आया इस बात को समझाऊंगा। ओके, क्या बोलेंगे, बड़ा हो गया वो।
यहां से कम कर टेक्स्ट दैट कंटेन समझ में आ गया मैम? हाँ जी सर। उसका डेट ओपनिंग, अब ये डेट के बारे में आपको मैंने बताया तो डेट में हमने क्या किया कि इक्वल टू किया एग्जैक्ट, जैसे आज की डेट हाईलाइट करनी है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं यहाँ पे 09 और यहाँ पे 9, तो देखिए हाईलाइट हो गया। लेकिन ये तो फिक्स हो गया ना, एवरी टाइम फिक्स रहेगा राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम डेट के साथ साथ ये चलता रहे बदलता रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे ए डेट ओपनिंग आ रहा है, आ रहा है ए डेट ओपनिंग। अब इस ए डेट ओपनिंग पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से कंडीशन देते हैं, ठीक है, जैसे टुडे, टुमारो, द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, जैसे आज मैं कर दिया, टुडे कर दिया, तो टुडे हाईलाइट हो गया। अब कल मैं फाइल खोलूंगा तो ये देखिए 10 मई हो जाएगा, परसों मैं खोलूंगा तो 11 मई हो जाएगा, ठीक है right. उसी तरह से यहाँ पे डेट ओपनिंग का समझ में आई। अब बात करते हैं डुप्लीकेट, जैसे एक सिलेक्टेड एरिया या सेल, सिलेक्टेड सेल में आपको ऐसा लगता है कोई पर्टिकुलर नंबर मोर देन वन टाइम है तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे यहाँ यहीं पे देख लीजिए अकाउंट नंबर, राइट, अब अकाउंट नंबर एक से ज्यादा है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इक्वल, और इक्वल में नंबर दे दिया, देखिए तीनों नंबर जो है तीन तवर हाइलाइट हो गया। अब मैं कोई टाइप करता हूँ 2 यहाँ पे टाइप किया और नीचे जैसे 2 टाइप करूंगा तो दोनों हाईलाइट हो जाएगा, अप्लाई नहीं, ठीक है। 3 किया, जैसे नीचे 3 करूंगा हाईलाइट हो गया सर, राइट। तो इस तरह से हाईलाइट करते हैं डुप्लीकेट। तो हमने भी डिस्कस की हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें बात की ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। ये वाला डुप्लीकेट वाला से बताना, ये तो आपने ऊपर से किया ना कि इक्वल टू से। डुप्लीकेट मतलब हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सिलेक्टेड एरिया में कोई नंबर मोर देन वन टाइम है तो डुप्लीकेट सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे वन टाइम होगा दोनों हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, डेट ओपनिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू कर लिया। यस। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप वन। जैसे इसमें मुझे टॉप 10 एमआरपी हाईलाइट करनी है तो सिलेक्ट कीजिए और यहां पे टॉप 10 पे जाइएगा तो जो टॉप 10 होगा देखिए हाईलाइट हो गया। मैं यहां से इसको टॉप 10 आ गया। उसी तरह से आप यहां पे बॉटम 10 भी कर सकते हैं, बॉटम 10 भी आपकी हाईलाइट। उसके बाद यहां पे अब देखिए इसमें हमने आपको टॉप 10% एंड बॉटम 10% को जिक्र नहीं किया, इसके पीछे रीजन है कि एक परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। अबव एवरेज सिलेक्टेड सेल का तो एक एवरेज है जैसे देखा 51, तो एवरेज से जो ऊपर होगा उसको हाईलाइट कर देगा, बिलो एवरेज जो एवरेज से नीचे होगा उसको हाईलाइट कर देगा और मेंटेन भी रखेगा। डेटा बार, ये डेटा का बार क्रिएट कर देगा, जैसे कि मैं अगर इस बार को यहां पे कि यहां सेलेक्ट कर लिया
और मैंने यहाँ पे डेटा बार क्रिएट कर, तो जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है बार भी हमारा इंक्रीज हो जाए। ओके, अब इसी चीज को यूज करते देखने के लिए कि किस नंबर की पूरे से कॉलम में क्या पोजीशन है। फिर उसके बाद यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ डेटा बार हो गया, उसके बाद इस तरह से कलर स्केल है, कलर रेड टू ग्रीन दिख रहा है आपको। अगर क्लियर समझाना है तो आइकन का इस्तेमाल करते हैं। आइकन क्लियरली समझाएगा कि हाँ कौन सा लोअर है, कौन सा मिडल है, कौन सा अपर है। ओके मैम, सर इसमें अगर मुझे सिर्फ अगर हमारा डेटा ऐसा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव है एंड आई डोंट वांट दीज येलो एरोज, आई जस्ट वांट रेड, मतलब जो नेगेटिव है वो डाउनवर्ड्स दिखाए और पॉजिटिव वाले ग्रीन दिखाए, तो इसको आपको क्या करना होगा, जाना होगा मैनेज रूल्स में, इसको डबल क्लिक करना होगा, यहीं पे आपको दिखेगा रिवर्स ऑर्डर दिख रहा है आपको, रिवर्स ऑर्डर पे क्लिक कीजिए एंड ओके करके अप्लाई हो गया, छोटा ग्रीन बड़ा रेड। नहीं मेरे को येलो चाहिए नहीं, येलो एलिमिनेट, हाँ एलिमिनेट करना है, सिर्फ रेड और ग्रीन चाहिए, रेड एंड ग्रीन चाहिए। तो यहाँ से हम मतलब ग्रेटर देन जीरो, एक मिनट चाहिए, नो सेल आइकन दिख रहा है आपको यहाँ, मैंने सब ये किया था, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई थी इसमें, नहीं दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि येलो की जगह पे ग्रीन दिखा दे तो वो चीज थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। आप एक बार ये डेटा को थोड़ा सा चेंज करो, नहीं आप चाहते हैं क्या, मुझे बताएंगे दोबारा, मैं वही एक बार आपको बता रही हूँ, आप ये जो 4, 5, 6 है ना इनको -4 करिए, -4 -5 -6 हाँ, अब इस पे मतलब पूरे पे अप्लाई कीजिए, वी हैव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, तो अब जो पॉजिटिव पॉजिटिव पे वो ग्रीन एरो आ जाए और नेगेटिव पे रेड एरो आ जाए, ये चाह रही हूँ मैं। आप बोलेंगे पॉजिटिव पे ग्रीन और नेगेटिव पे रेड, रेड, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कर दीजिए यहाँ पे लेस देन जीरो ग्रेटर देन, लेस देन जीरो, ये रेड पे करेंगे ना, ये तो नो से लाइकन है, लिख गया, हाँ जी, तो एक बार दोबारा जाना आपने क्या किया, क्या रूल अप्लाई किया, हमने रिवर्स तो हमने हटा दिया पहले, हाँ ठीक है, पहले टाइप नंबर चेंज करते हैं ना इसको, हाँ यहाँ पे टाइप में नंबर कर दिया, और ने बोला जीरो से बड़ा हो तो ग्रीन दिखाया, जीरो से छोटा हो तो रेड दिखाया, येलो को हमने नो सेल कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, इसके बारे में डिटेल में हम आपको अगली क्लास के अंदर समझाएंगे, ठीक है, ओके मैम।